मुझे 2017 यानी कि 6 सालों से ब्रेनकाइटिस की बीमारी थी। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। शायद जितने लोग डरे हुए थे सब लोगों ने बहुत खुश हो गया कि चलो भाई डर से हमें बहुत धीरे धीरे आराम मिलता गया। पहले दिन दर्द था, दूसरे दिन मैं चलने लगी, तीसरे दिन में मैं हल्का डाइट लेने लगी जैसे कि दाल का पानी, जूस, सूप वगैरह सब लेने लगी। और मेरा 5वां दिन है, 5 दिन हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 6 महीने हो गए हैं जिसकी वजह से मैं काम वाम भी करती हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। अब मैं हाउस वाइफ हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी संभालती हूँ और बाकी नॉर्मल लाइफ में अभी जी रही हूँ इस ऑपरेशन के बाद से। मैं सबीना खातून हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश से। मेरी उम्र 30 साल है। मुझे जो है 2017 से यानी कि 6 सालों से मुझे ब्रेनकाइटिस की बीमारी थी और मैं बहुत जगह जो है कि मतलब कि हर डॉक्टर को दिखा दिखा के परेशान हो गई थी। 2 या 3 बार RC पे भी मेरा हुआ मगर वो फेल कर गया। बहुत परेशान थी, हर महीने जो है कि 2 या 3 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी। एक दिन में बहुत ज्यादा पेन हुआ मेरे पेट में, बहुत ज्यादा जो है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसी दिन जो है मेरे हस्बैंड परेशान हो कि नेट पे देखा चिराग सर का मिला तो उन्होंने वो देखा तो उन्हें ठीक लगा तो वो वहीं से ही हमें डिस्चार्ज करा के यहाँ लेते आए अहमदाबाद। अहमदाबाद में मैं आई और मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे हस्बैंड डरे हुए थे क्योंकि मेरे बच्चे भी थे छोटे छोटे, एज भी बहुत कम थी तो सारे घर वाले फैमिली मेम्बर भी बहुत परेशान थे कि सर्जरी की वजह से कि सर्जरी कोई करना नहीं चाह रहा था, कोई डॉक्टर RCP भी फेल हो जा रहा था। तो मैंने तो चिराग सर ने बोला कि नहीं इसका ऑपरेशन हो सकता है और डरने की कोई बात नहीं है। 28 मार्च को मैं आई और 2023 फिर जो है कि 30 तारीख को सर ने ऑपरेशन का सलाह दिया कि हमारा ऑपरेशन हो सकता है और कोई बिना दिक्कत का। फिर भी हम लोग बहुत डर रहे थे। फिर मेरा ऑपरेशन 30 तारीख को सुबह 8 बजे सर ने कर दिया। ये ऑपरेशन पूरे लंबे तो थे ही, 3 बजे तक चलता रहा लेकिन उसके बाद जो है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जो है जितने लोग डरे हुए थे सब लोगों ने बहुत खुश हो गया कि चलो भाई डर से हमें बहुत धीरे धीरे आराम मिलता गया। पहले दिन दर्द था, दूसरे दिन मैं चलने लगी, तीसरे दिन में मैं हल्का डाइट लेने लगी जैसे कि दाल का पानी, जूस, सूप वगैरह सब लेने लगी। उसके बाद से मैं 4th दिन जो है कि मेरा पानी कम हो गया, मेरी नाक की नली निकल गई और कैथेटर लगा हुआ था वो भी निकल गया। मुझे दर्द से बहुत आराम मिली है। मैं जितना परेशान थी मैं बहुत ज्यादा, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे। आज हम लोग अच्छी, मेरा 5वां दिन है, मैं 5 दिन हो गया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलते आई खा पी रही एकदम। कल सर ने बोला है मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी और 10वें दिन जो है कि मेरा टाका कटने वाला है और मैं अपने घर जा सकती हूँ। चिराग सर का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे ब्रेनकाइटिस हुआ था और जो है कि मैं यहाँ अहमदाबाद चिराग सर से मिलने आई थी। मेरा 30 तारीख को ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और 5वें दिन मेरा डिस्चार्ज हो गया। और डिस्चार्ज के बाद मेरा घर बहुत दूर जिस वजह से हम लोग यहाँ होटल में रह गए अहमदाबाद ही में। और इस बीच मैंने 6 दिन ये इन 11 दिनों में आज 11वां दिन है जो मैं अपने घर जा रही हूँ। सर ने मेरा छोटा सा एक ड्रेसिंग किया है जो 2-3 दिन बाद निकल भी जाएगा और मैं बहुत ठीक हूँ, घूमी हूँ, फेरी भी हूँ यहाँ अहमदाबाद में और बहुत अच्छा रहा मेरा डिस्चार्ज के बाद। आज मैं अपने अच्छे से घर जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, बहुत अच्छा रहा मेरा। डॉक्टर चिराग सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि
उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छे से। थोड़ी बहुत अभी मुझे थोड़ी वीकनेस थी, वो भी अभी धीरे धीरे ठीक हो गई है और मैं अच्छे से आज मैं अपने आज दोपहर मेरी ट्रेन है, मैं घर जा रही हूँ। मेरा नाम सबीना खातून है। 30 मार्च को ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन 2-3 महीने तक तो मुझे दिक्कतें आती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 6 महीने हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं काम वाम भी करती हूँ। पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। अब मैं हाउस वाइफ हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर को भी संभालती हूँ और बाकी नॉर्मल लाइफ में अभी जी रही हूँ इस ऑपरेशन के बाद से। बहुत बहुत सही लग रहा है मुझे यहाँ आके। यहाँ मैंने सही डिसीजन लिया है, यहाँ चिराग ठाकुर जी से ऑपरेशन करा के जो सक्सेसफुल रहा है। बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है और मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ, फैमिली के साथ बहुत अच्छे से हूँ।